अरे पूरा तो खा ले, क्या लगता है ये नुस्खा काम करेगा? पक्का? मुझे हाथ में क्या आया? एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे भी लग गई, थोबड़े पे जला लगी। कंटेंट की कमी के लिए हमें गिरना पड़ा। क्या करूँ, कंटेंट नहीं था मेरे पास, मैं सोचा कि मैं गिर जाती हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका बहुत दिनों बाद में आई हूँ आपका वेलकम करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई हूँ। और आज हम फाइनली जा रहे हैं हमारे न्यू घर में, जिसका कि आज हवन वगैरह है, तो वहाँ जाऊँगी मैं। और हम सब लोग रेडी हो गए, और मैंने मैंने सीधे पल्लू की साड़ी पहनी है ऑरेंज कलर की, तो बस हम लोग वहीं निकल रहे हैं, रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं खुश हूँ तो मेरी वाइफ की फैमिली को भी इतनी सारी खुशियाँ, मतलब मेरी जो खुशियाँ हैं उनके साथ शेयर करूँ, तो शायद ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कौन आ गया, चलो चलिए चलते हैं वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो सब लोग आना शुरू हो गए हैं, दादी भी आई है, निम्मी आ गई, हमारा चिकू भी आ गया है, सुनीता आ गई है, और बाहर जो गद्दे मंगवाए थे ना किराए पे, वो लाला के बिछा बिछा के देख रहे थे कि हम इस रूम में सोए, मतलब इस रूम में रहेंगे आज या फिर उस ऊपर रहेंगे, तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और पंडित जी भी आ चुके हैं जो कि पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं भी आ गई थी क्योंकि पूजा 3-3:15 बजे से स्टार्ट हो गई थी, हवन वगैरह जो करवाना था अष्टमी के दिन, तो उसकी मतलब तैयारी करने के लिए पंडित जी 2 बजे करीब पंडित जी आ गए थे, जब से तैयारी में लगे हुए हैं। और हम लोग आए थे थोड़ा सा लेट, जब पंडित जी आधी तैयारी कर चुके थे तब। ये तो पहुंच गए हैं घर पे, और मेरा गाल है ना गुलाब जामुन जैसा हो रहा है, देखो यहाँ पे भी लग रही है, हाथ भी ऐसा हो रहा है पकौड़े जैसा, और गाल गुलाब जामुन जैसा हो रहा है, क्योंकि कल मैं गिर गई थी स्कूटी से, बच गई, बच गिरी तो थी पर बच गई, थोड़ी थोड़ी सी बच गई, बाकी अगर लगती तो बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जोर वाला, पर भगवान कहते हैं ना कि बचाने वाला ऊपर, मारने वाला ही ऊपर है, ऊपर वाला है सब, तो बच गए फिलहाल। तो ये देखिए हाथ में भी बहुत स्वेलिंग आ रही है। तो जब तक पंडित जी तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं शिव जी के जल चढ़ा के आ जाऊंगी, और पतिदेव को भी बोला आप भी आ जाओ, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खुशी वाला दिन है, मैं अपने घर में जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि भगवान का आशीर्वाद लेके ही फिर क्यों ना जाया जाए। तो पास में शिव जी का मंदिर है तो वहीं आई हूँ, पास में नहीं बिल्कुल सामने, घर के जस्ट थोड़ा सा सामने ही है, गार्डन है वहीं पे हैं, और बच्चे भी आ गए थे हमारे साथ साथ में गार्डन में घूमने के लिए, अभी इसका डेवलप होना बाकी है, गार्डन का काम चल रहा है अभी। और भाभी को बोला था कि पानी की बाल्टी, पास में ही हेडपम्प लगा हुआ है, तो पानी की बाल्टी वहाँ से भर के मंगवाई है, और उसके बाद में हम दोनों चले जाएंगे मंदिर में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, उनको धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है, और भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ में पतिदेव की बहुत ज़्यादा मेरे मतलब मेहरबानी की है मेरे सपने पूरे करने में, और हमेशा से मेरे सपने अचानक से ही पूरे होते हैं, मुझे सरप्राइज़ ही मिलता है, बस ये घर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, पतिदेव के पैर वेर में लग गई थी, बाकी ये जो काम करते हैं ना मतलब बहुत सरप्राइजिंग वाला होता है, गाड़ी आती है तो मेरे सरप्राइज़ के रूप में, स्कूटी आती है तो सरप्राइज़, हर चीज़ में मुझे सरप्राइज़ मिला, और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, जो कि मेरा घर बन गया है अपना, जिसको मैं कह सकती हूँ, और मेरे बड़े बुजुर्ग है, मेरे सास ससुर के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी फले फूले, हमारे आने वाली कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों की मतलब ज़िंदगी अच्छे से निकले, भगवान खूब तरक्की करे सब लोग, और भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी था, तो हम दोनों बैठ गए, और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में हम लोग चले गए थे सीधा घर पर, जो कि यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे हवन की तैयारी। तो हम आए थे जब तक आधी मतलब लगभग तैयारी हो चुकी थी, हम उधर से आए थे तब तक, और प्रिंस बैठ गया था हम दोनों के बीच में, तो मैंने कहा कि आज तो मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, आज तो मैं तेरे पापा के पास बैठूँगी, और गठजोड़ा वापस से बंधेगा, फेरे लेंगे, माला डालेंगे, सब कुछ होगा, हवन में सब कुछ होता है अच्छे से,
तो एक तरह से वापस, मतलब एक ज़िंदगी का वो जो शादीशुदा जो टाइम होता है ना, वो वापस से याद आ जाता है जब हम लोग हवन में बैठते हैं, क्योंकि उसी रीति रिवाज से और उसी तरीके से हम लोग बैठते हैं। और खुशी भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरा एक दिन पहले बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हो चुका था, हाथ में चोट लग चुकी थी, मेरा चेहरा है बहुत स्वेलिंग आ रही थी, आप लोग देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, पर कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो खुशी के आगे छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, और गिरते तो पड़ते रहते हैं। और सारा काम भी देखना था क्योंकि मार्च का महीना है तो टाइम नहीं मिलता है पतिदेव को, और ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है, टाइम नहीं मिला मुझे अपलोडिंग का इस वजह से। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है स्टार्ट, तो जितने भी हमारे मतलब भगवान देवी देवता उनको याद करने के लिए, मतलब भूमि को मतलब स्पर्श करने के लिए पंडित जी ने बोला था कि सबको मतलब प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो। और बड़े पापा और घर से में मतलब लोग आने शुरू हो गए थे धीरे धीरे, आज राती जगरण है ना, इस वजह से सब लोग आ जाएंगे, अधिकतर आज आ जाएंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो सुबह के टाइम आएंगे जितने भी हैं। तो बड़े पापा बैठे हुए हैं, पापा और बाहर व्यवस्था देख रहे हैं, और सासू माँ भी आएगी, जेठानी भी आएगी, जेठ जी भी आएंगे, पर सब लोग अभी आने हैं, मतलब रात तक सब लोग आ जाएंगे। जब तक मतलब एक बार तो हवन हो जाएगा, अष्टमी का जो हवन करवाना था वो हवन हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी देखना होगा करना होगा वो बाद की बात है। और पंडित जी बहुत अच्छे थे, बहुत समझदारी से काम कर रहे थे और बहुत तसल्ली वाले थे, बहुत आराम से सारा काम हो रहा था। और उसके बाद में और खुशी में सब लोग शामिल होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़ा तो मैंने किया कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया था, गृह प्रवेश कैसे से हिसाब से छोटा मोटा ही किया था, पर फैमिली दोनों तरफ की थी, ससुराल फैमिली और पियर की फैमिली पूरी थी। और कुछ ऐसे लोग थे जान पहचान के जो आने थे, जो सब लोग कल आएंगे, खैर पियर और ससुराल से लगभग आज आज आएंगे सब लोग। एवं भोजन विशेष विशेष टाइम मध्य दिवसीय मम चल मम सब अति कक्षा सब कुछ पौत्र आदि कक्षा आगे कुटुंब से आगे परिवार से जन्म चिन्ह द्वार दशांग का लोक राज देवता प्रसन्नात्म आयु आरोग्य शिवा देव दीर्घ गाय पर प्राप्ति निमित्त आत्म अखंड सौभाग्य के अति पर प्राप्ति निमित्त आत्म विशेष कर अति दिवसीय मम अस्मिन नूतन गृह मतलब मैं मेरी पत्नी मेरे परिवार वाले मेरे बाल बच्चे सब 100 वर्ष की आयु पर्यंत चिरकालीन में निवास करते रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं हो, धनधान्य की समृद्धि रहे और लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे। इस निमित्त गणपति मात का नवराज सर्वे भोग गणपति में को या में वम वर्णाय नमः ही होता आपने जल की पूजा करें स्नानम समर्पयामि कि कोई मैं स्नान करा दे स्नानम समर्पयामि स्नानम करते वो आप करा दे जीव को जीव वो करा दे जीव में ही हो जाए बांध दे ना तो फिर दूसरे छोटा पड़ गया वर्षम समरण गंधा सत पुष्पम ओम गणपते स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम अम्बे मालिके नमाने गतना तस्कर भजिनाम नाम दिवाले नमः स्वाहा ओम एम बिंद्रिम चामुंडाय विचे 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 स्वाहा ओम एम बिंद्रिम हेलो और